तुरकी फिर आप गुनाहुना पेंदे राहानू केड़ा बन मारू मित्रों वगदिया दरियावानू ए असी इस शेर दा जवाब पूरे पंजाब ने एक जून नू कमल दे चोन निशान ते बटन दबा के भाजपा सरकार पंजाब च लिया के देना है। ते हुण मैं निवेदन करूंगी विश्व दे हरमन प्यारे साडे देश दे बहुत ही सतिकार योग आदर योग मान योग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा जो सानू सारे पंजाबियों नू संबोधन करेंगे ते साडा मार्गदर्शन करते हुए सानू आशीर्वाद देंगे। सत श्री अकाल। मैं बहुत खुशकिस्मत हां कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ये पावन चरण छो स्थान अते श्री काली माता जी दे पावन स्थान पटियाला तो मैनू आपने पंजाब दौरे की शुरुआत करने का मौका मिलिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने पंजाब में बहुत समय बिताया है। यहाँ के खेतों में, खलिहानों में, सड़कों में खूब घूमा हूं। वो दिन मुझे बराबर याद रहते हैं कि साथियों के साथ बारादरी गार्डन में सुबह सुबह टहलना और जोड़िया भाटिया चौक में साथियों से गप मारना, सारी पुरानी यादें। और मैं देख रहा हूं आज मुझे काफी पुराने पुराने साथियों के दर्शन करने का भी अवसर मिला है। जब भी मैं पंजाब आता हूं, पंजाब से ये स्नेह और बढ़ जाता है। साथियों, देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और जनता जनार्दन ने मोहर लगा दी है कि फिर एक बार पंजाब भी अच्छे से जानता है कि उसे अपना वोट बेकार नहीं करना है। और आप तो जानते हैं, जो सरकार बनाए वोट उसे दीजिए, जो विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर चला हो। और इसके लिए जरूरी है फेरिकवार। भाइयों बहनों, 24 का ये चुनाव देश का चुनाव है। देश को मजबूत बनाने का चुनाव है और देश के सामने एक तरफ भाजपा और एनडीए है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन जिसके पास
न नेता है न नियत है। एक तरफ मोदी है जो लड़ाकू विमान से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत में बना रहा है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो लिखित रूप में कहता है कि हमारे परमाणु हथियारों तक को समाप्त कर देना चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने अणु विस्फोट करके अपनी ताकत का परिचय करवाया था। साथियों, एक तरफ आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का साहस, दूसरी तरफ इंडी वाले हैं जो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। एक तरफ मोदी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो कहता है कि आपकी कमाई आपके खेत खलिहान का आधा हिस्सा छीन लेगा। इंडी गठबंधन समाज को, देश को बांटना चाहता है, लेकिन मोदी भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है। और इसलिए मैं आज पंजाब की धरती पर पंजाब के मेरे भाई बहनों से मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। गुरुओं की भूमि पर सर झुका करके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई और बहनों, राष्ट्र रक्षा हो, आस्था और संस्कृति की रक्षा हो या फिर देश का विकास, पंजाब ने, सिख समाज ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। यहां के लोगों ने खेती से लेकर उद्यमिता तक देश के विकास को नेतृत्व दिया है। लेकिन साथियों, कट्टर भ्रष्टाचारियों ने पंजाब का क्या हाल बना दिया है। यहां से उद्योग कारोबार पलायन कर रहा है और ड्रग्स का, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता, यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है, सारे मंत्री संतरी मौज कर रहे हैं और जो कागजी सीएम है उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। क्या ऐसे लोग पंजाब का विकास कर सकते हैं? भाई और बहनों, यहां पंजाब में दिखावे के लिए
दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और जाड़ू पार्टियां दो है लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दें लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। और इसलिए मैं पंजाब के लोगों को प्रार्थना करता हूं कि इनसे सावधान रहना है। जो आप जिसको वो अपना गुरु मानते थे वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं, ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन को न विकास की परवाह है और न ही हमारी विरासत की चिंता। आजादी के बाद दूसरे दिन ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाना चाहिए था लेकिन कांग्रेस ने मंदिर का निर्माण रोका। अब जब मंदिर बन गया तो मंदिर को गालियां दे रहे हैं। आज दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बना हवाई अड्डा करता है। ये घोर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ रहे थे। और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं अगर उस समय मोदी होता तो मैं इसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। वो तो नहीं कर पाए लेकिन मुझसे जितनी सेवा हो सकी, क्योंकि गुरुओं की सेवा इससे बड़ा कोई धनभाग नहीं होता है। आज करतारपुर साहब कॉरिडोर आपके सामने है। हमारे सभी श्रद्धालु
गर्व के साथ वहां जाते हैं। साथियों, हमारी सरकार ने लंगर को टैक्स से मुक्त किया। पहले की सरकारें कर सकती थी, पहले हर मंदिर साहब में विदेशों से भक्त चंदा नहीं दे पाते थे, बार बार यहां से मांग उठती थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। ये मोदी ने आकर के इसके नियमों में छूट दी और आज हमारे हरमिंदर साहब की सेवा दुनिया के किसी भी कोने में आकर कोई कर सकता है। श्री फतेहगढ़ साहिब को साल जाने की शौर्य और शहादत का साक्षी रहा है। ये मोदी सरकार है जिसने साहबजादों के शौर्य के लिए समर्पित वीर बाल दिवस घोषित किया। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वीर बाल दिवस घोषित करने का मतलब क्या होता है। मुझे पूछना है कि पंजाब में भी ऐसे लोग हैं जिनको इसकी कोई समझ नहीं है।